हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिश्र उपाध्याय ब्लॉग्स में। तो आज है इनका हॉलीडे और देखिए हॉलीडे वाले दिन मैं इनसे क्या क्या काम करवाती हूँ। और ये देखिए ये लगा रहे फोटो फ्रेम में फोटो। इन्हें आप काट क्यों रहे? व्हाइट वाली जा रही है, अच्छी लाइन है व्हाइट वाली। अच्छी लाइन है जो एक्स्ट्रा वो काट रहे हो। ओके, तो देखिए फोटो फ्रेम में फोटो सेट करने के लिए क्या करे जनाब, ये कर रहे हैं फोटो को कट। और जो हमने ये फोटो है ये मनाली में क्लिक करवाई थी। और जो एक फोटो का चार्ज है वो कितना था? एक फोटो का चार्ज वहाँ पे फोटो का चार्ज 80 था शायद, 80 80 था, 80 या 60। हाँ 80 या 60 था, इसके अराउंड था कुछ। एक और आज ही सारे फोटो फ्रेम लगा देंगे, अच्छा ही होगा। ये गलती से टूट गया था मुझसे, मैं भी फोटो सेट कर रही थी तो ये गलती से टूट गया था। भैया चुके हैं पिघम गई है नीचे, पापा जी को नमस्ते करने के लिए। और मैं भी जाऊंगा ये फोटो लगा दूं। मैं काफी दिन से रहते बोले थे फोटो बड़े हैं तो काटने पड़ेंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं काटने काट सकते हैं, क्योंकि फोटो जो है ज़रा बड़े हैं, ये फोटो भी इतना ठीक है। वो ये है काटने के बाद ये है बड़ा साइज, तो ठीक लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं साइड का जो है वो काटना पड़ा है फोटो में, और देखना आप लगने के बाद फोटो कैसे लगते हैं बताना आप वीडियो में कमेंट करके। ये बोलते हैं कि शनिवार को आप कर ले जाते कुछ काम करो, तो मैंने सोचा कि फोटो फ्रेम रख के है जो मुझसे दिए थे बर्थडे गिफ्ट में, तो देखो आप। तो मैं फोटो फ्रेम भी लगा रहा हूँ, दो काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। मैंने सोचा था कि आज सैटरडे है सोऊंगा, लेकिन इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल। नींद तो मेरे को नहीं मिलती है सैटरडे पे। हो गई से कर रहा हूँ फोटो सेट कर रहे हैं, दिख रही हो? ये देखिए कितना अच्छा फोटो लग रहा है, अच्छा लग रहा है वो। तो लगा कौन रहा है ये नहीं पता। आप लगा रहे हो तो बस लगा रहे हो बेटे, आप जी भी धन्यवाद खिला रहे हो। विधान पावे जी का पीछे पड़ जाता है और पावे बेचे टाइम पड़ जाता है और मन खुल जाता है विधान को देख कर। ये देखिए सफेद मुछे में कैसे लगेंगे, सुंदर बाबू। कैसे शनिवार को उसका फायदा होना चाहिए ना। हाँ मैंने बता दिया, मगर एक दिन सोने का मिलता है, दिन सो नहीं पाता। पूरी बुराई चल रही है मतलब की। मैंने सोचा था मगर शनिवार है सुबह को 10-11 बजे उठूंगा आराम से, लेकिन इसने मुझे 8 बजे उठा दिया। फिर सोचा मुझे दोपहर को सजाऊंगा, अब देखना क्या काम कर रहा है दोपहर को। देखेगा देखते हो गया है रेडी, तो इसको मैं रखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे सामान रखा है, मैं कर दूंगी यहाँ से। तो ये रहा फोटो फ्रेम और ये रहा एक लास्ट फोटो फ्रेम, तो इसमें लगाता हूँ फोटो, देखता हूँ इसमें कौन सा अच्छा फोटो लगेगा। इसमें लगाऊंगा मैं ये फोटो, तो करता हूँ स्टार्ट। मैं कर रही हूँ अपनी बैंगल्स चेंज, कैसी लग रही? मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ओके okay. देखिए कमेंट करके बताना आपको मेरी बैंगल्स कैसी लगी। बैंगल जैसे सब कुछ खो दो आप तो 2 मिनट में।
पेपर तो रेडी, और अब मैं लगाता हूँ उसको। देखिए हो चुका है फोटो रेडी ये भी, और आप देखिएगा इसको मैं लगाऊंगा इधर। तो देखिएगा कैसे लग रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देखिएगा ये इधर रखा है मैंने, और एक फोटो फ्रेम ये रहा। सॉरी थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, मैं लाइट के सामने आ गया हूँ। अब देखिए आप, ओ जो है लास्ट फोटो फ्रेम वही ये रहा। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे रख देता हूँ, लेकिन इसको मैं लगाऊंगा ऊपर ही, अभी ड्रिल करना पड़ेगा। आज है शनिवार और हॉलीडे रहता है इनका शनिवार वाले दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ थोड़ा सा घूमी घूमी करके आ जाऊं। तो अब जा रही हूं मैं इनके साथ में आइसक्रीम खाने के लिए। चलिए अभी नीचे चले गए हैं, ब्लड उन्होंने निकाल ली है, तो मिलते हैं आपसे वहां जाने के बाद रास्ते में। तो हम चल दिए थे घर से, और ये देखिए हम यहाँ पर भरवा रहे हैं पेट्रोल ब्लड में, और ये डलवाने लग रहे हैं पेट्रोल। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं, और ये ले रहे हैं यहाँ पर आइसक्रीम, क्योंकि जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पर तो हर कोई खाता है, कभी छोटी जो दुकानें होती हैं वहाँ पर भी खाना चाहिए, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। ये देखिए हम यहाँ पर खा रहे हैं आइसक्रीम, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनते हैं यहाँ पर। और ये देखिए इन्होंने यहाँ पर ले ली है आइसक्रीम, और ये मुझे दे रहे हैं। देखिए मैं आइसक्रीम खा रहे निकाल लिया है आइसक्रीम पैक घर के लिए, ये रही, और इस बुक्की को देखो। आइसक्रीम खाने के बाद आए हम बर्गर खाने के लिए, ये देखिए यहाँ पर कितना स्टोर लगे। तो मैं आता जाने पर, मेरा मेरा बर्गर, तो देवेंद्र का बहुत मशहूर है, तो देवेंद्र का फिर हमको खिलाया, बोल के क्या है देवेंद्र वाले में, तो हमारी आवाज आ रही होगी, ट्रैफिक की आवाज बहुत कम है। अब हम चल दिए घर की तरफ, और ये देखिए शाम के टाइम जो मार्केट होते है सब बंद हो जाती है, ट्रैफिक भी कम हो जाता है। तो हम आ चुके हैं घर पर, और नीचे आइसक्रीम देकर आ गए हैं हम उनको, तो आप खाइए क्योंकि हम खा के आ गए थे। सबको बहुत पसंद आई आइसक्रीम, और हमें बहुत ज्यादा पसंद आई, वहाँ पर ज्यादा शोर था इसलिए आवाज थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं आई। और आइसक्रीम काफी अच्छी बनाता है, टाउन हॉल पे आप जाके देखना, टाउन हॉल पे खड़ा रहता है आइसक्रीम वाला। अगर मुजफ्फरनगर के हो तो आप जरूर ट्राई करना, और देवेंद्र चौमिन वाला मशहूर है उसके पास जाना, मैं हर बार उसके चौमिन और बर्गर खाने जाता हूँ। आज की आइसक्रीम मुझे सबसे बेस्ट लगी, मैं मॉल में खा के आई थी, वहाँ पर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, पर ये वाली आइसक्रीम है जो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो मेरा मन था आइसक्रीम खाने का, तो मैंने कहा आइसक्रीम कर लेंगे आइसक्रीम, तो मैंने कहा खा के देखना अच्छी लगा है, तो मैं इसको ले गया था, तो मैंने इसको खिलाई, तो कैसी लगी थी आइसक्रीम? बहुत ज्यादा अच्छी, और सर्दियों में आइसक्रीम खाने का तो कुछ अलग ही मजा है। तो घर वालों के लिए लाया हूँ मैं, तो घर वाले बोल रहे हैं बहुत अच्छी आइसक्रीम है, कहाँ से लाया, तो मैंने बताया। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।